आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। पीपल्स पार्टी सेनेटर शशि पनीजो ने सेनेट इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि मौजूदा बजट अवाम दुश्मन, हारी दुश्मन और सिंध दुश्मन है। छोटे सूबों खासकर सिंध के साथ बहुत बड़ी कटौती करके सिंध के अवाम से ज्यादती की गई है, बल्कि सिंध की अवाम का पीपी को मैंडेट देने की सजा दी गई है। शशि पनीजो ने कहा कि वफाकी वजीर हमाद अजहर की बजट तकरीर खाली लफाजी थी। उन्होंने अपोजिशन के इश्यूज को नज़रअंदाज किए रखा, खासकर NFC एवार्ड, छोटे सूबों के हिस्सों में कटौती और VR के टारगेट के हवाले से कोई बात नहीं की गई। सिंध में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जमा होता है, लेकिन माशी मार भी सिंध के हिस्से में आती है। शशि पनीजो ने वज़ीर आज़म इमरान खान के सिंध के दौरे के हवाले से कहा कि इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा था कि NFC में कटौती करेंगे, कि सूबों के हिस्से ज़्यादा हैं, जिस पर शशि पनीजो ने कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी NFC के नोटिफिकेशन को कलदम करार दिया है, तो अब गवर्नमेंट को इस नोटिफिकेशन वापस लेना चाहिए। शशि पनीजो ने मजीद कहा कि सिंध को PSDP में भी हिस्सा नहीं दिया गया है। दूर नजर वो दूसरी बात है कि गवर्नमेंट के पास न वो दिल है न विल है, पॉलिटिकल विल होगी नहीं, चीज़ें आगे कैसे जाएंगी। भले अपोजिशन जो है घंटों बैठे, हम डायरेक्शन देने के लिए तैयार हैं, बारह हमने कोशिश की है, लेकिन हमने क्या देखा, अभी भी सिंध के PSDP से लेकर सारी चीज़ों में कटौती की गई है। वज़ीर आज़म साहब सिंध गए हैं तो वहाँ 18 अमेंडमेंट NFC में कटौती की बात करके आए हैं। मैं इस हवाले से ही, क्योंकि ये चीज़ें इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, फाइनेंस का मामला है, मुआशी मार देना चाह रहे हैं ये छोटे सूबों के, मैं इस पर एहतजाज करती हूँ। ये कोई तुक नहीं थी कि वन साइडेड वे में आ कोई वज़ीर आज़म को किसने वो हक दिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें होती हैं कि वो जाए एक छोटे सूबे में जो अहम है, जो भले दूसरे नंबर बड़ा सूबा हो, लेकिन रेवेन्यू से लेकर पोर्ट से लेकर वो आपके जो भी गैस ऑयल सारे वसाइल में वो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, और उसमें उन्होंने कंसिडरेशन में वो नहीं लेकर आए। ये चीज जो है हमें बिल्कुल नहीं हो नहीं सकती, क्योंकि ये फाइनेंस नहीं, ये जो कटौतियां की गई है, मैं आज फिर ये जो है रिकॉर्ड पे रखना चाहती हूँ। अमीन फारूकी, रोशन पाकिस्तान न्यूज, ठट्टा सिंह।